सहारा इंडिया और सेवी विवाद पर जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने को लेकर फील्ड कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि सहारा इंडिया संस्था भारत देश की सबसे बड़ी संस्था है। जब देश के 135 करोड़ जनता की बात आती है तो उनसे कई लाखों की रोजी रोटी का एकमात्र साधन सहारा इंडिया है, लेकिन विगत वर्ष 2012 से चल रहे सहारा सेवी विवाद के कारण सहारा के क्षेत्रीय कार्यालय कार्यकर्ताओं को तमाम आर्थिक एवं सामाजिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सहारा इंडिया संस्थान द्वारा रोजगार के साधन उत्पन्न करके देश के युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। देश के करोड़ों करोड़ मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में पूंजी निवेश एवं बचत का तरीका देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। सहारा समूह देश का एक बड़ा कारपोरेट व्यवसाय घराना है, लेकिन मुख्यतः सहारा सेवी प्रकरण के चलते परेशानी के दौर से गुजर रहा है, जिसके चलते क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। ज्ञापन के माध्यम से फील्ड कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जल्द समस्या का समाधान कराया जाए, क्योंकि प्रत्येक समस्या का समाधान है, लेकिन जबकि समस्याओं से बहुत बड़ा जनसमूह प्रभावित हो रहा है तो समस्या पर प्रशासन ध्यान दे। साथ ही कहा गया कि सहारा सेवी प्रकरण में कहां गलती हुई है, किस तरह से गलती है, प्रकरण विषय हो सकता है, लेकिन जब समस्या देश के करोड़ों जनता से जुड़ी हो तो समय रहते निराकरण नितांत आवश्यक हो जाता है। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में आज पूरा देश मंदी की मार से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में यदि इस मुद्दे को अति शीघ्र सुलझाकर भुगतान नहीं कराया जाता तो फील्ड कार्यकर्ताओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। अगर प्रशासन इस ओर ध्यान देते हुए इस पर कार्यवाही कर देता है तो पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा विकास का सहयोग साबित होगा। ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण कराया जाए। क्या नाम आपका? विपिन कुमार जी। क्या समस्या आपकी और किसने आप लोगों ने ज्ञापन दिया? सारा दिन भुगतान के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों का जो भुगतान नहीं हो पा रहा, किसी के घर में शादी है, विवाह है, बीमार है, मरीज बहुत मतलब ग्रस्त है, सब लोग पेमेंट नहीं मिल गया किसी को, इसलिए हम लोग जो है ज्ञापन देने अभी आए हैं भुगतान के लिए डीएम कार्यालय में, एसएससी कार्यालय पे। तो किसी भुगतान क्या है मामला, पूरा थोड़ा खुल के बताओ। सहारा इंडिया से जो है हम लोग पैरा बैंक में पैसा जमा किए थे और आज भुगतान नहीं हो रहा। सहारा का कहना है जो ऐसे भी सहारा केस चल गया, इसलिए भुगतान नहीं हो रहा और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो हमारा केस खत्म करवा के हम लोग को भुगतान कराया जाए। कितना समय हो गया ये? कम से कम 5 से 6 साल हो गया, अभी तो भुगतान नहीं मिल पा रहा। कितना भुगतान होगा लगभग? लगभग कम से कम यहाँ पे मुरादाबाद में जो है कम से कम जो है 200 करोड़ रुपए का भुगतान। कितने लोग होंगे? कम से कम होंगे यहाँ पे 2 लाख लोग। आज किसको ज्ञापन दिया? आज डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं। तो क्या कहा डीएम साहब ने? अब ज्ञापन दिया, सांत्वना दिए, जो दिए हैं होगा, इस पर कार्रवाई करेंगे हम। ठीक।